बच्चों, आज हम इन ब्लॉक्स से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे अभी इन ब्लॉक से हम गणित के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये कितना ब्लॉक है? ये एक, अब मैंने एक में एक और मिला दिया तो कितने हो गए? दो। दो में अगर मैं एक और ब्लॉक मिला दूँगी तो कितना हो जाएगा? तीन। इस तरह से हम इन ब्लॉक्स को मिला के अपनी संख्याएं बना सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आगे तक। तो इससे क्या हुआ, जब हमने एक में एक मिलाया तो कितना बना? दो। तो ये क्या हुआ, छोटी संख्याओं का जोड़। कि हमने जब दो में एक ब्लॉक और मिलाया तो कितने हो गए? ये तीन हो गए, यानी कि ये हमारा जोड़ हो गया। हमने एक में एक जोड़ा, दो हो गया, दो में एक जोड़ा, तीन हो गया, तीन में हम एक जोड़ेंगे, चार हो जाएगा। इस तरह से हम इन ब्लॉक से छोटी छोटी संख्याओं का जोड़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इन ब्लॉक्स में आप ये भी देख सकते हो कि अभी मैंने यहाँ रखा ये और इस। अब आप मुझे बताओ कि ये कितने ब्लॉक्स हैं? एक, दो। और ये कितने ब्लॉक्स हैं? एक, दो, तीन, चार। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कौन से वाले ब्लॉक्स ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये ब्लॉक्स ज़्यादा हैं और ये ब्लॉक्स कम है, यानी कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। इन ब्लॉक से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि जब हम संख्या में किसी दूसरी चीज़ को जोड़ते जाते हैं तो वो बड़ी संख्या बनती जाती है। अब इसमें सिर्फ एक और दो ब्लॉक हो गए और यहाँ एक, दो, तीन और चार ब्लॉक हो गए, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? चार। छोटी संख्या कौन सी है? दो। अब इन संख्याओं के बीच में लगाने के लिए क्या होता है, निशान भी होते हैं। जैसे अब ये इधर आपने दो ब्लॉक बना रखे थे, और इस तरफ बना रखे थे आपने चार, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कितना हो गया, ये दो ब्लॉक्स हो गए और ये चार ब्लॉक्स हो गए। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? यानी कि चार बड़ी है। तो जिस तरफ बड़ी संख्या होती है वहां हम इस तरह का निशान लगाते हैं, खुला हुआ, ये अपने हाथ की तरह। क्योंकि अगर मान लो ये आपके पास चार लड्डू हैं और ये आपके पास दो लड्डू हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों प्लेट में से एक प्लेट चुनो, तो आप क्या चुनोगे? चार वाली चुनोगे ना, तो अपना हाथ ऐसे ही लेके जाओगे। तो ये बड़ी संख्या का निशान होता है। जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ हम इस तरह का निशान लगाते हैं। इसको आप चिड़िया की चोंच की तरह भी समझ सकते हो कि जैसे चिड़िया ज़्यादा कीड़े खाने के लिए जाएगी या कम के लिए, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा के लिए जाएगी, तो वो जिस तरफ उसका मुंह खुलेगा वो संख्या ज़्यादा बड़ी होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं ये उल्टा कर दूँ, उल्टा यानी कि अगर मैंने यहाँ ये और ब्लॉक्स रख दिए, तो अब आप मुझे काउंट करके बताएंगे इधर कितने ब्लॉक्स हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। तो इधर कितने ब्लॉक्स हो गए? सेवन। और इधर कितने हैं? वन, टू, थ्री और फोर। तो इधर आपके सेवन और इधर आपके फोर। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा निशान किस तरफ जाएगा? बड़ी संख्या हमारी क्या है? सेवन और छोटी है फोर। तो हमारा निशान कैसे जाएगा, यानी कि हम इस तरफ हाथ, इस तरह से करके हम इस तरफ हाथ बढ़ाएंगे अपना। अब अगर इधर वन टू थ्री फोर और इधर कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अगर हम यहाँ भी सेवन करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो क्या हुआ, इधर भी सेवन है और इधर भी सेवन है। तो आप कैसा निशान लगाओगे? तो कौन सा लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, नीचे वाला लगेगा, क्या लगेगा? अब इधर भी सेवन है, इधर भी सेवन है, आप चाहे ये वाली प्लेट उठाओ तो भी आपके पास सेवन लड्डू आएंगे, ये वाली प्लेट उठाओ तो भी आपके पास सेवन लड्डू आएंगे। तो आप क्या करोगे, इसका हमारा निशान लगता है इक्वल, दो बराबर लाइन है, ये होता है हमारा बराबर, यानी इधर भी सेवन है, इधर भी सेवन है, तो हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो पड़ी हुई लाइन, वो हमारा बराबर होता है, यानी कि दोनों साइड में चीज़ें हमारी बराबर है। अब इन्हीं ब्लॉक्स की हेल्प से, ये आपने देखा कि संख्या किस तरह से बढ़ती चली जाती है, इन ब्लॉक्स की हेल्प से हम आपको आरोही और अवरोही क्रम भी
बताएंगे कि आरोही या अवरोही क्रम हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए ये आपके पास पूरा ब्लॉक्स का है। ये मान के चलिए कि आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो, जब आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो क्या यहाँ से पहली सीढ़ी, फिर आपका पैर कहाँ जाएगा, दूसरी पे जाएगा, फिर तीसरी पे जाएगा, फिर चौथी पे जाएगा, फिर पांचवी पे जाएगा, फिर छठी पे जाएगा, फिर सातवीं पे जाएगा और लास्ट में ये यहाँ पहुँच जाओगे आप इसके टॉप पर। यानी कि ये संख्याएं क्या हो गई, बढ़ती हुई चली गई। यानी कि ये सीढ़ी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर का मतलब कहाँ जा रही है, ये संख्याओं का क्रम बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जब संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। ये क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे 9, 10, 11, 12, ये सारे नंबर्स, ये सारी संख्या किसमें होती हैं, आरोही क्रम में होती हैं। अब यही से अगर हम क्या करें, उतरना स्टार्ट करेंगे, यहाँ हम 8 पे थे, अगर हमें ऊपर से नीचे आना है, मान लो हम छत पर पहुँच गए और छत से हमें दोबारा नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, 8 से 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 हम कहाँ आ गए, 8 पर थे हम, पर 8 से आगे हम 1 पर। तो यानी कि क्या हुआ, ये हमने संख्या हमारी घटती चली गई, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि 8 to 1 यानी कि ये संख्याएं घट गई। तो ये होता है हमारा अवरोही क्रम, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। ये देखिए इसमें आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, यहाँ बढ़ा क्रम, बढ़ा क्रम का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ ऊपर चढ़े। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाने के लिए हमें इस तरह से हमें ऊपर जाना है, ये हमारा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब है हम नीचे आ गए, ऊपर से नीचे आ गए। तो आरोही और अवरोही क्रम इस ब्लॉक से आपने देखा कि किस तरह से हम ऊपर जाते हैं, तो हमारा आरोही क्रम हुआ और नीचे जाने पर हमारा अवरोही क्रम हुआ। अब क्या होती है, इसी तरीके से आप संख्याएं देखोगे, संख्याओं का मतलब क्या हो गया, जब हमसे कहा जाता है कि अंकों से संख्याएं बनाओ, तो वहां भी हमारा आरोही और अवरोही क्रम चलता है। कैसे चलता है कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, अगर मैंने आपको नंबर दे दिए, कि इनको आप इनसे छोटी या बड़ी संख्या बनाओ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो उसे बनाने के लिए भी क्या होगा, पहले आपको इन अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना पड़ेगा, तभी आप इनसे संख्याएं बना सकते हो। और वो सबसे आसान यही है कि भाई 7, 8, 9, 6, 5 इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा इसमें क्या हो गया 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8 और उससे बड़ा 9। तो ये इसी क्रम में 5, 6, 7, 8, 9 ये आपकी संख्या बन जाएगी, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। तो यानी कि क्या है इसमें, इसमें आपको ऊपर चढ़ना है, पहले सबसे छोटा अंक देखोगे कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, और संख्याओं को जब आप बढ़ते हुए क्रम में रखोगे, अंक जो दिए गए हैं, तो वो आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है, आपको उल्टा करना है, यानी पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर इन्हीं नंबर्स में हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, ये आपकी बन गई सबसे बड़ी संख्या। तो अब आपने इन ब्लॉक से क्या देखा, आपने इन ब्लॉक से ये देखा कि हमें ऊपर जाना है तो आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, और जब हमें नीचे आना है तो अवरोही क्रम, नीचे उतरना है, घटता हुआ क्रम, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आपको अंक दिए गए होंगे और आपको संख्या बनानी है, तो आपको क्या करना है कि इन अंकों को इसी तरह से आरोही और अवरोही क्रम में लगाकर, अगर आपने आरोही क्रम में लगाया तो वो आपकी सबसे छोटी संख्या बनेगी, पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंकों के बीच में कॉमा नहीं लगता। जब हम संख्या बनाते हैं तो कभी भी हम
के बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, क्योंकि कॉमा लगाने का मतलब है कि वो अंक हो गए, संख्या नहीं गई। और जब आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आपको अवरोही क्रम में चलना है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपने देखा कि इन ब्लॉक्स की मदद से ही हम आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अंकों से छोटी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना, और छोटे छोटे बच्चों के लिए हम इनसे प्लस और माइनस कि हमने ये जोड़ दिए, जोड़ना घटाना वो हम इन ब्लॉक से ही करा सकते हैं। और आपने देखा कि हम इसमें किस तरह का हमें चिन्ह प्रयोग करना है, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, वो भी हम इन ब्लॉक्स की हेल्प से करा सकते हैं। तो एक छोटी सी ब्लॉक से हम इतनी सारी चीज़ें क्लास में करा सकते हैं, और ये ब्लॉक्स हम फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक इन्हीं ब्लॉक्स को यूज़ करके कई टॉपिक पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके।